तो आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वापस। एक्चुअली सुबह सुबह निकल गई थी मैं घर से, मुझे पापा ने छोड़ा दिल्ली तक, फिर दिल्ली से मैंने बस ली तत्तापानी की, फिर मैं तत्तापानी उतरी। दीदी ने शिमला जाना था इसलिए दीदी को छोड़ने के लिए आए थे पापा जी, फिर मुझे यहाँ से उन्होंने रिसीव किया। अभी अभी दीदी को बस में बिठाया, फिर वो गए यहाँ से और मैं जा रही हूँ घर को। ना कम से कम 13-14 दिन हो गए थे अपने मायके में, तो आज बारिश रुकी हुई थी और आज ना मौसम थोड़ा साफ है, मतलब दिन है बट बारिश नहीं हो रही, तो इसलिए आज मैं वापस आई हूँ। ये है जी सुन्नी मार्केट। आज तो लग ही नहीं रहा कि बारिश भी हुई है यहाँ पे कई दिनों से कंटिन्यू, मतलब एकदम सूखा 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 लग रहा है सारा रोड वगैरह। जो ये तत्तापानी को रोड है ना, ये तो पूरा ही डैमेज हुआ हुआ है, इतने सारे लैंडस्लाइड्स हुए हुए हैं, रोड की हालत तो ना देखने लायक ही नहीं रही। ये देखो यहाँ पे साइड साइड में जितनी भी मिट्टी के ढेर दिख रहे हैं, यहाँ से पूरा रोड नीचे जा चुका है। ये देखो सतलुज का रौद्र रूप। बहुत बहुत ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ गया है यहाँ पर। और ये देखो रोड्स की हालत, सारा थोड़ी थोड़ी देर में पूरा नीचे गया हुआ है रोड पूरा पूरा। और यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड्स, बट ना मशीन्स भी साथ साथ में लगी हुई थी, यहाँ से तो ना पूरा रोड ही नीचे जा चुका था, इसलिए यहाँ पे साइड में कटिंग की गई है थोड़ा पास होने के लिए गाड़ियों को। और यहाँ से दिखाई दे रहा है कि पानी कितना ऊपर ऊपर आया हुआ है। तब तो मैंने क्रॉस किया ही था बट अपने घर के रास्ते भी बिल्कुल खराब खराब ही है, हर जगह लैंडस्लाइड्स हुआ ही है, उस वजह से जाम भी लग रहा था। यहाँ पे ऐसे लैंडस्लाइड हुआ गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। चेंज भी कर लिया, खाना वाना भी खा लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया और अब मम्मी चले गए हैं घास को। और मैं ना घर से पता क्या लेके आई थी, मैं ना घर से थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लेके आई थी, अब ना स्ट्रॉबेरी लगा लेते हैं थोड़ी। यार लाई तो हूँ और यहाँ पे ना घास ही घास है सारे में, पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि लगाए कहाँ, इतना घास है। पहले इसको क्लीन करते हैं थोड़े से एरिया को, मुझे काम नहीं करने दे रहा। रियो यार मैंने नहीं खेलना, नहीं खेलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतना सा एरिया खोदा है मैंने अभी स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए। यार मैंने तो 2-3 ही मांगी थी शायद, बहुत ही दे दी उसने। ये देखो छोटी सी स्मेल लगी हुई भी है। ये लग गई जी स्ट्रॉबेरीज। इसकी ना
इसमें ना ऐसे बेल सी निकलती है, ये जैसे ये बेल सी निकलेगी ना इसमें, फिर इसको ना यहाँ से मिट्टी में दबाना पड़ता है ऐसे, फिर मतलब धीरे धीरे इसको दबाते रहेंगे ना, फिर इसमें और फैलती जाएगी ये, फिर पूरे खेत में फैल जाएगी। आई विश ये चल पड़े। लो जी काले काले बादल फिर से आ चुके हैं, तो चलो मम्मी के पास चलते हैं, वो घास बनाने गए थे। तो अब कुछ टाइम में सेब टूटने वाले हैं, ये अब ऐसे नहीं दिखेंगे बेचारे ये पेड़ यार। उस तरफ है मम्मी गए हुए, उस तरफ को। इस तरफ तो बढ़िया धूप लगी है सामने, ये देखो करसोग में धूप लगी है, और इस तरफ देखो बादल काले काले बादल, बारिश आने वाली ऐसे लग रहा है, और इस तरफ धूप, क्या बात है। हेलो कर दो। हेलो। अच्छा ये ठीक है। हम आज बना रहे हैं जुगनी की सब्जी, जुगनी लाए मम्मी खेत से, और मम्मी अभी बांध रहे हैं घास। अब हम चलते हैं घर को। गाइस हम पनीर बना रहे हैं। और मम्मी रील्स देख रहे हैं। ये डाल लीजिए मम्मी ने लस्सी, बस पनीर तैयार है। ऐसा पानी होना चाहिए इसका भी, तब से ना भी तैयार है। अच्छा मतलब पानी नहीं करना चाहिए, कोई बार रहता कम ही ना, कम पड़े खट्टी नहीं थी कोई बार लस्सी ना। और ये यहाँ पे पनीर छान के ना दुपट्टे में छान के बांध के रख दिया, और उसके ऊपर भारी सा ये रखा हुआ है।